नमस्ते जी, मैं बहुसाहेब पांडुरंग कांचन उरली कांचन से बात कर रहा हूँ। मैं 2013 में एग्री टूर के माध्यम से यूरोप गया था। उधर मैंने देखा हजारों एकड़ में ग्रेप्स यानी के द्राक्ष के बहुत सारे खेती थी, और पूरे यूरोप में मैं चार देश में घूम के आया। तो उधर मैंने देखा अनेक मकान के सामने, बंगले के अंदर या हाउस के अंदर, बाहर अंदर ग्रेप्स का पौधा देखा था, ऊपर देखा था, नीचे देखा था और गार्डन में देखा था। तो मैंने सोचा अपने यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। और आने के बाद मैं मांजरी मेडिका ये वैरायटी मेरे को यहाँ के ऑफिसर ने भेजा, बोला था कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र के अंदर मिल जाएगा तुमको, मांजरी में पुणे के नजदीक। तो मैं यहाँ आया तो मेरे को मैंने वो दो दो पौधे यानी कि दो रोप लेके गया। तो मेरे बंगले के नजदीक 30 फुट 3 फुट खड्डा लेके उसके अंदर पाला पाचुड़ा और खाद डाल दिया, सेन खाद गोबर का, और उसमें वो दो पौधे लगाया। और लगाने के बाद धीरे 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 वो ऊपर जाने लगा। तो मैंने उसको सेट करके 30 फुट हाइट पे लेके गया। तो 30 फुट हाइट लेके जाने के बाद वो उसका मैंने कटिंग काटना बंद किया वो आगे का, और उसके ऊपर मैंने 1,000 स्क्वायर फुट का टेरेस के ऊपर मंडप बनवाया। और वो बनाने के बाद 1 साल उसको डेवलप किया, उसके बाद मैंने काटा नहीं, डेवलप कर दिया। डेवलप करने के बाद 2019 को पहली बार उसको मैंने, वो जो द्राक्षी का गुच्छा था वो मैंने लेने का ये किया, संकल्प किया। तो उस पहले टाइम मेरे को 108 घड़ मिल गया। तो 108 घड़ मिलने के बाद मैं सोचा इसको और भी ज्यादा आ सकते हैं। दूसरी साल में 300 के लगभग द्राक्ष के वो गुच्छे आए थे। फिर अभी मैंने 2021 को अक्टूबर से स्टार्ट को मैंने उसको कटिंग करके लिया वो, और जब कटिंग करते टाइम मैंने एक सात जो काड़ी को ये रहते हैं ना डोला आंख, तो उसको सात का डोले के अंदर आगे का कट किया। वो कटिंग करने के बाद फिर मैंने नीचे गोबर का खाद डाल दिया ये करके, और उसके बाद एक कुछ दिनों में उसको वो फुटवा आ गया। फुटवा आने से आते टाइम ही उसको वो फुलोर आ गया यानी का ग्रिप्स का, वो आते आते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो मैंने उस टाइम का भी शूटिंग करके लिए रखा है, वो आने के बाद भी रखा है। फिर वो छोटे छोटे द्राक्ष का जो अंगूर है वो भी दे उसका ही शूटिंग किया है। अभी इस टाइम पे उसको अभी हार्वेस्टिंग में आने वाले हैं 8-10 दिन में वो, तो उसको 500 गुब्बारा है द्राक्ष का। तो 15 दिन पहले एग्रो वन वाले आए थे सकाल के, तो उन्होंने पूरा वो देख के शूटिंग करके लिया और मेरे से हिस्ट्री लिया। तो हिस्ट्री लेने के उस टाइम मांजरी मेडिका वहां से मैंने राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र से वो वैरायटी लाया था, और लाने के बाद ये अपने को इतना उसका रिजल्ट आ गया, इतना रिजल्ट आ गया कि मैं मेरा होश ही उड़ गया। इतना 500 घड़ लगता है तो, और मैं उसको रासायनिक बिल्कुल खत नहीं डालता, डाली नहीं है। और ये वैरायटी ऐसी है वो उसका जूस बना के लोगों को मैं पिलाता हूँ और लोग खुश हो जाते, मैं उसका पैसा नहीं लेते लेता, क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं कर सकता हूँ ऐसा खेती। इसका ये मेरा बताने का यही तरीका है कि शहर के अंदर लोग अपने मकान के सामने या मकान के ऊपर ही भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और करते समय
उन्होंने मेरी दखल ले ली वो सकाल एग्रो वन वाले दी, और 1 जनवरी 2022 को उन्होंने न्यूज़पेपर में डाल दिया मेरा। न्यूज़पेपर में डालने के बाद वो पूरा दिन मेरे को पूरा महाराष्ट्र के अंदर जितने भी किसान एग्रो वन लेते हैं उन्होंने मेरे को फोन करने के लिए चालू किया। इतना कैसा दो पेड़ को इतना कैसा माल आ सकता है? तो मैंने बोला तुम आके आके जाओ देखो, फिर आपको पता चला कि ये वैरायटी कैसी, और ये वैरायटी का जो गुण धर्म है आदमी के, जो आप बाजार में जो ठंड पिए पीते हैं अलग अलग, उससे ये बढ़िया है, उससे कोई तकलीफ नहीं हुई, और आपने सेहत के लिए अच्छा है। तो अभी एक 8 दिन के बाद वो हार्वेस्टिंग में आने वाला है, तो बहुत सारे किसान या हमारे दोस्त मित्र मंडली शहर से या हमारे आजू बाजू से देखने के लिए आते हैं। तो आप कभी भी आ सकते हैं और देख ले सकते हैं, और मेरे कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा, बता दूंगा कहाँ से लेने का, कैसा उसको खाद डालने का, और उसको तो बिल्कुल ये जो दवाई मैंने छिड़का ही नहीं, क्योंकि उसको ये नहीं आता, रोग नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कि ये पूरा पूरा सेंद्रिय, पूरा आप देख सकते या आप चेक भी कर सकते अपना ये उधर क्या चेकिंग करते। और ये जो है ये ऐसा आया है, इससे बड़ा बड़ा है, ये छोटा लाया है मैंने, लेकिन ऐसा इतने बड़ा बड़ा है, और ये इसको ऐसा रेड कलर का जूस आता है ओरिजिनल, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं, और इस सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, ये जूस रहता है उसका, एकदम भारी, एकदम एकदम भारी वैरायटी है ये देखो। और आप कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप लगा सकते हैं, ये वैरायटी इतनी भारी है कि पूछो मत। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, हमें बताओ कैसा है क्या करने का है, तो मैंने बोला कभी भी आओ फोन करो, मैंने मेरा 2 नंबर भी दे दिए उसके अंदर, और ये अच्छा है। और अपने जो परिवार है या अपना सगे वाला है, मेहमान है, उनको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि लगाओ, ये शहर के अंदर लगाओ या खेती में लगाओ या मकान के सामने लगाओ, ऐसा कुछ नहीं, किधर भी आ सकते हैं वैरायटी। इसका नाम है मांजरी मेडिका, बहुत बढ़िया है और मीठा ज्यादा रहता है, और जब हार्वेस्टिंग के टाइम में आता है बढ़िया मीठा लगता है, और एकदम मेरा फेवरेट ये ग्रिप्स है। अच्छा, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे। ये जैसा कि भाऊ साहेब कंचन जी ने बताया है, ये वैरायटी मंजरी मेडिका है और यह वैरायटी हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है। एक्चुअली इसमें जो बाकी वैरायटीज में हम देखते हैं कि इनका जूस का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन इसका जूस का रंग एकदम डार्क रेड कलर का है। इसमें एंथोसाइनिन्स बहुत अधिक हैं और यह हमारी वैरायटी राज्य स्तर पर पहले ही रिकमेंड की जा चुकी है महाराष्ट्र राज्य में। इसके अंदर रोग बहुत कम आते हैं, जूस रिकवरी काफ़ी अधिक है। हमने अपने प्रयोगों में देखा है कि 72-73% तक जूस निकलता है इससे। जूस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें एंथोसाइनिन्स बहुत अधिक होते हैं क्योंकि इसका जूस का रंग ही लाल है, तो एंथोसाइनिन्स की वजह से लाल है। तो एंथोसाइनिन्स 5 से 6 ग्राम 1 किलो में मिलते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बात वैरायटी की है तो किस्म है, इसमें रोग कम आते हैं और इसमें कभी भी फ्रूटफुलनेस की कोई समस्या नहीं है। फ्रूटफुलनेस काफ़ी अधिक होती है, आपके गुच्छे का साइज भी अधिक अच्छा होता है, और इसका उत्पादन हम बात करते हैं तो करीब 10 से 12 टन 1 एकड़ में आसानी से लिया जा सकता है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के कई किसान इसे वैरायटी को लगा चुके हैं और अपना शुरुआत कर रहे हैं कि हम जूस उद्योग में आगे बढ़ सके हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी
इसके लिए लोगों में रुचि देखी जा रही है।